Today we are learning about microorganisms. There are different kind of microorganisms. So first of all, define microorganisms. Some living organisms we do not see our naked eye. We see with the help of microscopes. These are called microorganisms. वे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में पहला है फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंजाई, फिफ्थ एल्गी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया। इन 1617 एंटोनियो लेवोनहार्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एंटोनियो लेवेनहार्ट टेक ए ड्रॉप ऑफ कोल्ड वाटर एंड एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप्स। लेवेनहार्ट सी द डिफरेंट स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग इन द कोल्ड वाटर। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी साइंटिस्ट गिव द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, रॉड शेप, स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। जो रॉड शेप बैक्टीरिया का एग्जांपल है वह है बैसिलस सीरस। स्फेरिकल बैक्टीरिया इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है, जिसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब हम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया according to their food habits, means according to their food habits there are three kinds of bacteria. पहला है heterotrophic means परपोषी। some bacteria live and other bacteria for their foods. some bacteria live and other organic for their foods. These are called heterotrophic bacteria. Example है Helicobacter pylori. Helicobacter pylori spiral bacteria का भी example है, जैसा कि यहाँ figure में दर्शाया गया है। Next जो heading है वो है autotrophic bacteria. Autotroph means स्वपोषी। Some bacteria make their own food with the help of chloroplasts. These are called autotroph bacteria. Autotroph bacteria का एग्जाम्पल जो है वह है cyanobacteria. Next heading जो है वह है symbiotic bacteria. Some bacteria live in plants, legume plant nodes. They take nitrogen and give out water and minerals. These type of bacteria are also known as symbiotic bacteria. हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि symbiotic जो bacteria होता है वह legume plant means दलहनी फसलों के या दलहनी फसलों के जो plant हैं उनकी जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं, ये वहीं पड़े रहते हैं और
प्लांट से वाटर मिनरल्स लेते हैं और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देते रहते हैं। इस तरह से प्लांट को भी फायदा होता रहता है और इनको भी फायदा होता है और ये वहीं पड़े रहते हैं। यही कारण है कि जो दलहनी प्लांट के पौधे हैं जैसे पी प्लांट है, ग्राम प्लांट है, उनमें हम उर्वरक नहीं डालते। ठीक है, हम उनमें उर्वरक नहीं डालते क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके माध्यम से उनको उर्वरक मिलती रहती है। और उसके बाद जैसे हम किसी दूसरे फसल की भी उस फील्ड में ग्रोविंग कराते हैं, दूसरी फसल को ग्रोविंग कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम यूजफुल बैक्टीरिया। सम यूजफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू एल्कोहल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में चेंज कर देते हैं जिसकी सहायता से हम वाइन, बियर ये सब बनाते हैं। जैसे सुगर केन का हम लिक्विड लेकर के सुगर केन जूस लेकर के हम उसे काफी दिनों तक रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और उसे चेंज कर देते हैं एल्कोहल में, तो जिसे हम सिरके के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वह दूध के साथ जब उसे वह मिक्स हो जाता है तो दूध को चेंज कर देता है कर्ड में, यानी जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वह दूध के साथ मिक्स होकर के दूध को कर्ड में चेंज कर देता है। यह यूजफुल बैक्टीरिया है, यह इसे हम अपनी स्वेच्छा से बनाते हैं। यूजफुल का मतलब जो हम अपनी स्वेच्छा से करें जिसे करने से हमको बेनिफिट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम बैक्टीरिया यूज टू मेक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक। कुछ बैक्टीरिया का हम प्रयोग करके एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन में जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो हम बैक्टीरिया की सहायता से बना करके बीमारियों में उसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है रोग प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी। ऐसी दवाएं जो रोग को खत्म करने का काम करें हमारे बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट सम हार्मफुल बैक्टीरिया। सम हार्मफुल बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज क्रिएट करें। पहला न्यूमोनिया, न्यूमोनिया न्यूमोनिया ये हमारे लंग्स में होती है और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा यहां पर आपको फिगर दिखाया गया है। तो ये क्या करता है, हमारे लंग्स के ऊपर म्यूकस जमा हो जाती है, म्यूकस जमा हो जाती है दोनों लंग्स पर। जैसे जमा हो जाती है दोनों लंग्स को एक जकड़ लेती है तो उसे डबल न्यूमोनिया कहते हैं। ये सिंगल लंग्स को जकड़ रखा है तो उसे सिंगल न्यूमोनिया या न्यूमोनिया कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है जिससे हम सांस को लेते हैं, सांस लेते हैं लेकिन जितनी मात्रा में हमारे लंग्स को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना चाहिए वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ऑक्सीजन जितनी हमको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती क्योंकि जो ऑक्सीजन है यह हमारे बॉडी के अंदर जब जाती है तो यह फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में तोड़ देता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यदि हम समय पर इलाज नहीं करा सकते तो पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है फूड रोल, ये सिंगेला बैक्टीरिया के माध्यम से स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जैसे हम भोजन सुबह में बनाकर रख देते हैं दोपहर में हम देखते हैं तो उसमें एयर बबल्स आने लगते हैं, जब एयर बबल्स आने लगते हैं तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो जब हम उसे थोड़ा सा देखते हैं तो एयर बबल देखकर ही हम जान जाते हैं कि यह फूड जो है वह क्या हो गया है, खराब हो गया है, खाने के लायक नहीं।
सिंगर की जो होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सिंगुलर। नेस्टेड टाइफाइड, टाइफाइड ये एक प्रकार का फीवर है जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। यह आपके बॉडी में, जिससे आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे गांठ निकल आते हैं, बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस यह भी एक तरह की डिजीज है जो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कर देती है। यह क्लाइडियम टेटानी बैक्टीरिया के माध्यम से यह डिजीज आपके शरीर में होती है। यह ब्लड क्लॉटिंग कर देती है तो आपके हाथ पैर जो जहां है वो वैसे ही जाम हो जाता है। ठीक है, आपको चलने में, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी आपके जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। इस बैक्टीरिया के माध्यम से जो होता है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जाम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेटनस। नेक्स्ट है टीबी। टीबी ट्यूबरकुलोसिस। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से यह डिजीज स्प्रेड होती है माइग्रेंट्स में। इसमें जो पेशेंट होता है उसे खांसी आती है, जुखाम, बुखार, और उसका दम भी घुटता है। जब वह खांसता है तो बार बार बलगम शरीर से बाहर आती है, और समय पर जब इलाज नहीं होता तो यह बैक्टीरिया जो है लंग्स को खा जाते हैं। लंग्स में जो एल्वियोली होती है उनके ऊपर म्यूकस जमा हो जाती है। एल्वियोली का काम है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये उन्हीं को धीरे धीरे क्या करता है, खाता रहता है। धीरे धीरे जब समय से आप इलाज नहीं करवाते तो लंग्स में होल हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट जब खांसते हैं, छींकते हैं, या उनके मुंह से जब बलगम बाहर आती है तो उसमें थोड़े थोड़े ब्लड के क्लाट भी बाहर आते हैं। जब ब्लड के क्लाट बाहर आने लगे तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो लंग्स में जो ब्लड की छोटी छोटी नलिकाएं हैं, आर्टरी या वेन है, ये उन सबको क्या कर रहा है, डैमेज कर चुका है। क्योंकि नेचर में आपको ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है, लंग्स जब आप सांस लेते हैं तो वह फूल जाता है, और उसके बाद जब फूलता है उसमें जो भी एटमॉस्फेयर में जितने भी प्रकार की गैसें हैं वो सब अंदर जाती है, हमारे बॉडी में अंदर जाती है। लेकिन नेचर का जो सिस्टम है सिर्फ ऑक्सीजन को ही हमारा लंग्स एब्जॉर्ब करता है, बाकी अन्य गैसों को वह शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब टीबी या डिजीज हो जाती है तो म्यूकस आपके लंग्स के ऊपर हमेशा जमी रहती है। म्यूकस हमेशा जमी रहती है, आप सांस लेते तो हैं लेकिन जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है तो आप बार बार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या दम घुटता है, तो इसमें क्या करते हैं, हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं या दवा लेते हैं। अब तो इसका इलाज हो गया है, जब हम दवा लेते हैं तो पेशेंट को आराम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग जो भी ये मटेरियल है इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और इस तरह का स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ, फंगस, फंजाई, एल्गी। ओके, थैंक यू।